आप अगर जमीन को खरीद बिक्री करना चाहते हैं या आप जमीन को कहीं पर बेचते हैं अपना जमीन को, तो हम लोग जो जमीन को बेचते हैं उसमें जो बेचने का जो मात्रक है वो डिसमिल है, धूर है, कट्ठा है, बीघा है, एकड़ है, हेक्टेयर है, इसी के हिसाब से हम लोग जमीन को बेचते हैं। अगर हम लोग को जमीन को खरीदना है तो उसी के हिसाब से हम लोग जमीन को खरीदते हैं, या बीघा से, या कट्ठा से, या धूर से, या डिसमिल से, या एकड़ से, या हेक्टेयर से। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग अगर कोई भी द्रव्य पदार्थ खरीदते हैं तो हम लीटर में लेते हैं, कोई भी अगर ठोस पदार्थ खरीदते हैं तो हम लोग केजी के हिसाब से लेते हैं। उसी तरह जमीन को खरीद और बिक्री करने के लिए डिसमिल, कट्ठा, बीघा, धूर और हेक्टेयर, एकड़, ये एक मात्रक है जमीन को खरीद और बिक्री करने के लिए। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप डिसमिल में जमीन को कैसे बेचे किसी को, या आप डिसमिल में जमीन को कैसे खरीदे, या धूर में कैसे बेचे, या धूर से कैसे खरीदे, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान के चलते कि आपके पास 40 धूर जमीन है, उस धूर जमीन से, 40 धूर जमीन से आपको 2 डिसमिल जमीन किसी को देना है। आपके पास जो जमीन है वो धूर में है, और आपको जो बेचना है, लेने वाला जो पार्टी है वो बोल रहा है कि आपको देना होगा डिसमिल के हिसाब से। तो आप 40 धूर जमीन को डिसमिल में कैसे देंगे उसको, यानी अगर 40 धूर आपके पास जमीन है और आपको उसमें 2 डिसमिल जमीन उसको देना है, तो कितना धूर में 2 डिसमिल जमीन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप खरीदते भी हैं किसी से डिसमिल के हिसाब से, तो आप 2 डिसमिल जमीन में कितना धूर आपको जमीन मिलेगा, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे हम। अगर आप इससे अनजान हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, आगे भी वीडियो हम इस तरह का बनाते रहें आपके लिए, और आप वीडियो का आनंद लेते रहें। तो चलिए हम जाएंगे फिर बोर्ड पर, और बोर्ड पर देखेंगे कि हम 1-2 डिसमिल जमीन को जो खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमको कितना धूर लेना पड़ेगा या कितना धूर देना पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बोर्ड पर आ चुके हैं, और अभी हम आपको एक छोटा सा सूत्र देने वाले हैं। सूत्र यह है कि धूर धूर गुना लगी स्क्वायर, ठीक है, धूर गुना लगी स्क्वायर भागा 193.6 बराबर जो आएगा वो आएगा डिसमिल, ठीक है। बहुत सारा दो ये जो सूत्र है, फॉर्मूला है, हम पहले भी बता चुके वीडियो पर, लेकिन अभी हम स्पेशल चीज से बता रहे हैं कि ये 193.6 कहाँ से आया। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें हमको बहुत सारा कमेंट मिला है, और बहुत सारा हमको पूछा है, बहुत सारा दोस्तों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने, कि 193.6 कहाँ से आया। आपको हम बता रहे हैं कि चलिए फिर से लिखते हैं, धूर गुना लगी स्क्वायर भागा, ये जो सूत्र मेन सूत्र होता है वो होता है 968/5 बराबर होता है डिसमिल, ठीक है। तो ये 968/5 को अगर डिवाइड करते हैं हम, तो मेरा जो आएगा वो 193.6 आएगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, आपको हम क्लियर हो गया कि कहां से आया। अब जो चलिए आपके पास, हम मान के चलते हैं कि आप, अब ये हो गया धूर गुना लगी स्क्वायर भागा 193.6 बराबर डिसमिल, और फिर डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर जो आएगा वो होगा धूर, ठीक है। डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर धूर, यानी डिसमिल को हम 193.6 से गुना करेंगे और लगी से भाग देंगे, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो होगा धूर। अब बताते हैं आपको कि ये लगी कहाँ है, क्या है, ये चीज बताना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए लगी क्षेत्र के हिसाब से होता है, कहीं पर 4 हाथ का, कहीं पर 6 हाथ का, कहीं पर 4.5, कहीं पर 5, कहीं पर 7, ये क्षेत्र के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ जो है, हम झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका के रहने वाले हैं, तो दुमका के उपराजधानी में क्या होता है, यहाँ पर 4 हाथ का लगी चलता है, यानी लगी का जो मान होता है वो 4 हाथ का, ठीक है ना, वो जो लगी का मान होता है वो क्या होता है, 4 हाथ का। अब आपको हम बता रहे हैं कि हम डिसमिल से, मेरे पास डिसमिल है, ठीक है, मेरे पास 2 डिसमिल जमीन है, कितना है 2 डिसमिल, तो हम, मेरे पास 2 डिसमिल जमीन है। अब हम ये डिसमिल जमीन को सबसे पहले क्या करेंगे, धूर में चेंज करेंगे, कि 2 डिसमिल जमीन तो है लेकिन उसमें धूर कितना होता है ये जानेंगे पहले। तो क्या करेंगे, 2 गुना 193
6.6 भागा लगी स्क्वायर, लगी का जो मेरा मान है वो 4 हाथ का है, यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर 2। अब जो होगा वो 193.6 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो आएगा रिजल्ट वो 387.2 भागा 4 का स्क्वायर यानी 4×16। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 387.2 को अगर 16 से डिवाइड कीजिएगा तो वो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 24.2 धूर। ठीक है, ये हम जो सूत्र को पुट किए इससे पुट किए, है ना। मेरे पास डिसमिल जमीन था उसको हम धूर में चेंज किए, यानी 2 डिसमिल जमीन में होता है 24.2 धूर। आपका अगर लगी का मान अधिक होगा तो ये धूर का मान कम होगा। ठीक है, लगी का मान मान ली 4 है इसीलिए 24.2 आया। अगर 5 हाथ का लगी होगा तो ये मान कम होगा, 6 हाथ का होगा तो उससे कम होगा, 7 होगा तो उससे कम होगा, यानी लगी का मान जितना अधिक होगा उसमें धूर का मान उतना ही कम होगा। अब चलते हैं कि मेरा 2 डिसमिल जमीन था तो मेरा कितना आया 24.2 धूर जमीन। अब मेरे पास, अब आपको हम यही सूत्र लगा के दिखाते हैं इससे, ठीक है, धूर से मेरे पास 24.2 धूर जमीन है तो कितना डिसमिल हुआ, तो क्या करेंगे 24.2 गुना लगी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, मेरे यहाँ 4 हाथ की लगी है इससे 4 का स्क्वायर भागा 193.6। अब लिखते हैं यहाँ पर 24.2 गुना 4×16 भागा 193.6। अब ये 24.2 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 387.2 भागा 193.6। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका 2 डिसमिल जमीन। क्लियर, दोनों सूत्रों का हम रूल बता दिए कि डिसमिल से धूर में कैसे चेंज करेंगे और धूर से डिसमिल में कैसे चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला। अगर आपको धूर से डिसमिल में चेंज करना है तो धूर गुना लगी स्क्वायर भागा 193.6 तो आपका जितना आएगा रिजल्ट वो डिसमिल में आएगा। अगर आपको डिसमिल से चेंज करना है धूर में तो डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर धूर। चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास 3 डिसमिल जमीन है या मेरे पास 3 डिसमिल जमीन है तो मेरे पास कितना धूर जमीन हुआ, ये भी क्वेश्चन हुआ। तो 3 डिसमिल जमीन को क्या करना है, 3×193.6 भागा लगी स्क्वायर यानी 4×16। अब क्या करेंगे, 193.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपका जितना आएगा भागा फिर 16 करना है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा धूर में। ठीक है, एग्जाम्पल को तो बता रहा आपको, आप करना इस तरह है। अब मान के चलते हैं मेरे पास 40 धूर जमीन है, मेरे पास 40 धूर जमीन है, उसमें से हमको 2 डिसमिल जमीन को बेच देना है, 2 डिसमिल जमीन को, ये 2 डिसमिल जमीन को क्या करना है, बिक्री करना है ना, 2 डिसमिल जमीन को हमको बिक्री करना है, किसी को दे देना है 2 डिसमिल जमीन, उसके बदले में हमको वो पैसा देंगे। ठीक है, तो 2 डिसमिल जमीन में हमको 40 धूर में 2 डिसमिल देना है, मेरे बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 40 धूर में 2 डिसमिल जमीन देना है, तो 40 धूर में 2 डिसमिल जमीन में कितना धूर हो रहा है पर ये देखेंगे, तो क्या करना है 2 डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर यानी 4×16 डायरेक्ट कर दिए आपको हम। अब क्या करना है, 193.6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 193.6 को अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 387.2 भागा 16। आप इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 24.2 धूर, यानी 2 डिसमिल जमीन में 24.2 धूर जमीन आता है। मेरे पास जमीन कितना है, 40 धूर, तो क्या करना है, 40 धूर जमीन में 24.2 धूर जमीन को घटाव कर देना है, आपका कितना बचेगा, 15.8 धूर जमीन बचेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को अगर संतुष्ट हैं, अगर इसमें कोई भी त्रुटि आपको लग रहा है ये सूत्र में तो आप हमें कमेंट करके बताएं और पूछें कि कहाँ आपको दिक्कत है, आपको हम बताने के लिए 24 घंटा आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, हम
मिनट मिनट में कमेंट को चेक करते हैं कौन भाई मेरा कमेंट क्या क्या किया, आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे।